हैप्पी मदर्स डे बारा मेरे को कहा था। बढ़ते हैं आगे, क्या दिए है। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पहली बात आपको हैप्पी मदर्स डे, जो मेरे मम्मी लोग मतलब जो भी ब्लॉग देखते हैं, जो मेरा जो मम्मी लोग हैं उन लोग को हैप्पी मदर्स डे, और मेरी मम्मी को भी हैप्पी मदर्स डे मम्मी कम यार। तो अभी हम लोग को बहुत घाई है, हम लोग जा रहे हैं, आज मेरे दो शो है, तो 6 बजे पहुँचना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो फटफट अभी जाते हैं, बिना किसी देर के करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो मैं आगे बताती हूँ ठीक है कि मेरे दो शो किधर है, तो बढ़ते हैं बिना किसी देर के आगे। तो हम लोग निकल चुके थे घर से और हम लोग को मिल गई थी ऑटो, तो वहाँ से जाने के लिए ना मतलब वहाँ पे जाने के लिए ना लगता ही है कुछ आधा घंटा, क्योंकि ट्रैफिक इतनी रहती है ना माझीवाड़ा साइड में। तो फाइनली हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो ये वहाँ का लोधा का ऐसा बिल्डिंग वगैरह है, लोधा मतलब वहाँ का एरिया अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग को ऑडिटोरियम नहीं मिल रहा था, यहाँ तो पहुँच गए, अभी ऑडिटोरियम में जाने का रास्ता नहीं याद आ रहा, मेरे को कहा था चलो मम्मी। फिर उसके बाद ये रहा ऑडिटोरियम, तो बहुत प्यारा था ऑडिटोरियम। तो मुझे बेसिकली वो लोगों ने इनवाइट किए थे, मतलब वो ऐसा कुछ मुझे पैसे वगैरह उन्होंने कुछ दिए नहीं, बस इनवाइट किए उन्होंने मुझे, एक जगह सुने थे कंपटीशन में वो सर ने, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किए कि उनके बेटे का वो मतलब वो प्रमोट करने वाले थे उनका फैशन डिज़ाइनिंग का कुछ, तो वो शो था, तो उन्होंने मुझे फिर बुलाए थे। तो ये ऐसा कुछ हॉल था, मुझे इसके कुछ पेमेंट वगैरह कुछ चार्जेस नहीं मिलते ठीक है, तो मैं ये पहले ही बता देती हूँ, वरना कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं मिलते। अभी तो फ़िलहाल मेरी सीडी है, तो छोटे छोटे करके आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा गाना हुआ, फिर तालियां भी बजी, ये सुनना आप लोग। फिर मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस हो गया था, उसके बाद ये ना छोटी सी लड़की भी आई थी बच्ची वहाँ पे, इतनी वो इतनी ईगर थी ना डांस करने के लिए, बाप रे। और ये देखो पोस्टर पे फोटो रहा मेरा भी, और ये देखो ये रही वो लड़की, उसके फ्रेंड्स लोग उसको आवाज़ दे रहे थे ना, तो वो लोग कुछ शांत करा रही थी, तो ये नाच रही, नाचने के लिए आई थी। तो मतलब वहाँ पे अभी बोलते हैं ना बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो वो इतनी छोटी है, तो उसको क्लासेस लगाए थे कथक का, तो वैसे प्यारे से छोटे छोटे हाथों से डांस कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। इसको क्लासिकल डांस कहते हैं, कथक बोलते बेसिकली इसको। फिर उसके बाद बस हम लोग ये परफॉर्मेंस देख के निकल गए थे काशीनाथ के। तो अभी हम लोग निकल गए हैं लोधा से, तो अभी जा रहे हैं काशीनाथ जो दूसरा शो है उधर, तो रिक्शा ढूंढते हैं चलो। और ये रास्ते पे इतनी ट्रैफिक रहती है ना, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल पार्क है, नहीं अरे यहाँ पे सेंट्रल पार्क है ना, तो गर्दी रहती है, तो सेंट्रल पार्क के तो सभी गर्दी छुट्टी है ना, इसके लिए यहाँ पे इतनी ट्रैफिक रहती है। और आज संडे भी है तो शायद ज़्यादा है, तो देखते कब तक पहुँचते वहाँ पे। मेरे को 8:30 को पहुँचने का था दूसरे इधर काशीनाथ में, लेकिन हम लोग अब तक ट्रैफिक में ही अटके, देखते कब तक पहुँचते। गर्दी देखो कितनी है काशीनाथ जाने का। क्या बोले वापस से, क्या बोले विजय का आने, अरे अल्लाह काशीनाथ जाने का। तो मेरे को इतने सारे फ़ोन आ गए ना वहाँ से कि कब से आ रहे कब से आ रहे, तो फाइनली वो हॉल आ गया हम लोग का, अभी वहाँ पे जाते हैं फटफट, थोड़ा इधर जाते बराबर मेरा गाना ना हो प्लीज़। तो वो रहा सामने अंकल, इधर सामने लो, तो फाइनली पहुंच गई मैं काशीनाथ भागते भागते, अभी जाते हैं 3rd फ्लोर पे फटफट, बहुत लेट हो गए, आओ जल्दी चलो 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 कम कम। अरे पापा चलो, हाँ 3rd फ्लोर, ओ पापा मम्मी उधर जाके बैठ जाना ठीक है आराम से। तो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं, दरवाजे के पास ही हूँ, बस जाती हूँ फटफट, बहुत लेट हो गया। हाँ हाँ मैं जाती हूँ, आओ तुम पीछे से। ये है यहाँ से अंदर जाने का है, बिस्मिल्लाह स्टार्ट हो गया गाइस शो। तो मैं रेडी तो हूँ, बस थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ,
थोड़ा मेरा मेकअप उतर गया है शायद, तो थोड़ा टचअप और लिपस्टिक लगा लेगी, ठीक है? तो जैसा होता है मैं वैसे बताती हूँ, अभी बढ़ते हैं आगे। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे, तो मैं बैक स्टेज से जाके आ गई थी। हम लोग को यहाँ बैठना पड़ता है जो भी सिंगर्स रहते हैं। और ये देखो, ये रहा मेरा फ़ोटो, मैं हर जगह एक ही फ़ोटो देती हूँ। और फिर इसके बाद मेरा ही थर्ड परफॉर्मेंस था, मेरे आने से एक परफॉर्मेंस हो गया था, फिर मेरा थर्ड परफॉर्मेंस था, तो मैं यही बोल रही थी, लेकिन वो पीछे सॉन्ग चल रहा था, उस पर कॉपीराइट लग जाएगा, इसीलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है। तो मेरी बहुत, मतलब मैं डर गई थी, मैं बहुत फट रही थी, इसलिए मैं ऐसे कर रही थी। तो मतलब रहता है ना, फर्स्ट परफॉर्मेंस जब आपका थर्ड, और वो मेरा सोलो था, मेरे ढोलना ही था। उसके बाद फिर ऐसी परफॉर्मेंस हुई, मैं जाके थोड़ा बैठ गई थी, फिर मेरे डुएट सॉन्ग थे, तीन चार डुएट सॉन्ग थे, एक सोलो था। तो मुझे यहाँ पे भी कुछ पेमेंट नहीं मिला था, ठीक है, ये भी मैं आप बता दे रही, यहाँ पे मुझे पेमेंट नहीं मिला था। लेकिन हाँ, मुझे मतलब मुझे नहीं, जो भी विनर्स थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो लोग को प्राइज़ मिला था, वो मैं बताती हूँ आगे। ये रहे मम्मी, मम्मी भी बहुत खुश हुए मेरी परफॉर्मेंस देख के। तो मेरे को ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है जब मम्मी खुश हो जाते, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो मम्मी खुश रहते। और ये हम लोग का लास्ट परफॉर्मेंस था, तीनों का डुएट। और ये वाली क्लिप मैं नहीं डाल रही थी, लेकिन मुझे डालनी थी, मेरे पापा को मैंने दी थी वीडियो शूट करने, लेकिन बेचारे लोग को आ रही नहीं थी दोनों को शूट करने, देखो। तो फिर भी मेरे पापा ने अच्छे से किए, प्राउड ऑफ यू पापा, ठीक है, अच्छे से किए मेरे पापा ने रिकॉर्डिंग। ये देखो, ये जूम करके बराबर से एकदम, तो कोई था नहीं ना, पापा और मम्मी थे, और मम्मी को नहीं आता इतना, पापा को जितना आता इतना किए। तो फिर बाद में लास्ट ये हुआ, और ये देखो, ये सर ने मुझे थपथपाए मेरी पीठ, उनको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा। ये सर हीरालाल मोती करके कोई तो है, तो उन्होंने जो भी हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर थे, वो लोग को 500 कैश दिए, जो भी विनर थे उनको 500 कैश मिला, तो मुझे ये मिला। और फिर बाकी में लास्ट में ये सब फ़ोटोज़ वगैरह हुआ, तो ये मेरे वीडियो मेरे पापा ले रहे थे, इसीलिए मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, तो ये फ़ोटो वगैरह हुआ, तो बहुत लेट हो गया था। तो बस ये फ़ोटो वगैरह खींचे, सबसे बात किए, मुझे बैक स्टेज आके बहुत लोग मिले, तो और फाइनली हम लोग घर के लिए निकले। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, सबने तारीफ की। तो अभी जाते हैं घर, फिर घर जाके, और मेरे को गिफ्ट भी मिला ना मम्मी 500 लोधा से, और 500 भी मिले, तो घर पे जाके फिर बताते हैं। तो मुझे उन्होंने गिफ्ट दिए, तो ये थैली लाते लाते फट गई हम लोग से, इसमें सामान रख देते हम लोग ने। तो उन्होंने गिफ्ट में दिए है, क्या दिए है नाम भी लिखे थे, मैंने देखी हूँ लेकिन दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो वाह, तो ये है कप, निकल भाई। तो मुझे दिए है ये लोग ने कप, और सादा कप नहीं है वो, उसमें ना बना हुआ है। ये देखो, वो जिनका फैशन डिज़ाइनिंग का, यानी जो ओपनिंग था जो सर का, उनके बेटे का ये ब्रांड का नाम, उनके बेटे के ब्रांड का नाम। और ये पीछे रहा महक का फ़ोटो, ये फ़ोटो मेरा सिंगिंग का, मतलब ये फ़ोटो मैं हर जगह देती हूँ, मेरे पास ये एकलौता फ़ोटो है जो माइक के साथ है, तो ये मैं फ़ोटो जब पोस्टर के लिए चाहिए रहते तो मैं हर जगह देती हूँ। तो ये दिए, और ये लोग के इसके अंदर है कूपन है, हाँ 100 रुपीज़ ऑफ, ये भी 100 रुपीज़ ऑफ। तो यानी अगर इसको यूज़ करेंगे तो इस जो भी आपको जो भी रेट रहेगा प्राइस का, उसका 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। तो बस अच्छा लगा जाके, तो करते ख़त्म ब्लॉग को। गए हम लोग घर पे, और बज गए हैं 12, मतलब 12 बज के गए हैं, तो लेट हो गया। तो अच्छा रहा आज का दिन, और मेरे को ना गिफ्ट भी मिला है, गिफ्ट मतलब वो लोग ने दिए, तो मुझे इनवाइट किए थे। और जो सेकंड मेरा जो शो था काशीनाथ में, वहाँ पे मुझे जो फर्स्ट प्राइज़ मिला था ना जहाँ पे, तो वो लोग का शो था, तो वो लोग ने भी इनवाइट किए थे। तो मेरे 5 गाने थे, तो वो 5ों के 5 अच्छे हुए अल्हम्दुलिल्लाह से, और तारीफ़ भी किए बहुत लोगों ने, सब बैक स्टेज आके मिल रहे थे। मैं वो वीडियो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि फिर मैं मतलब बात करने में वो लोग से बिज़ी हो जाती हूँ, तो और अच्छा नहीं लगता है कि किसी का वीडियो बिना परमिशन के लेना। तो बस अच्छा रहा, जितना भी रहेगा मैं डाली ही हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। और वो जो गिफ्ट का फ़ोटो है, वीडियो है, वो भी मैंने डाल दी हूँ। मेरे को कप मिला है, उसके ऊपर मेरा फ़ोटो है, वो कितना प्यारा है, अच्छा लगा मुझे बहुत वो गिफ्ट। तो
थैंक यू सो मच जिन्होंने भी दिया है मुझे वो गिफ्ट, संजय सर इनका नाम, तो थैंक यू सो मच। और बस बिरयानी का डब्बा मिला है खाने के लिए, तो अभी खाते हैं और करते हैं व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।